आगामी 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों की मतगणना से संबंधित रिहर्सल जिला मुख्यालय ऊना में आयोजित की गई। पोस्टल बैलेट से संबंधित मतगणना के विषय में आयोजित इस रिहर्सल प्रक्रिया में ऊना जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र के करीब 40 अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा राजस्व विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को PPT तथा वीडियो सहित सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों के अलावा व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने मतगणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मतगणना से संबंधित किसी भी शंका को इस रिहर्सल प्रक्रिया में स्पष्ट कर लें ताकि मतगणना के दौरान त्रुटि की कोई संभावना ना रहे। तो एक अकाउंट बनता है और उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो ये दिखाते हैं कि भाई हमारे पास कितने जो है 800 मान लो कि 800 हमारे पास पोस्टल बैलेट है सर्विस वोटर्स के, और जब स्कैनिंग होती है तो उसमें ये अकाउंट बनता है कि उसमें से कितने जो है वो वैलिड पाए गए और वो फिर काउंटिंग टेबल्स पे जाते हैं। तो ये एक कंसेप्ट एक्चुअली जो हमारे पास जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हमने वहाँ पे काउंटिंग नहीं करनी, हमें स्कैनिंग करके आगे काउंटिंग टीम्स को हमने देनी है। आप करो अभी जो इसमें एरर के केसेस रहते हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूं। जब हम इसका जो हमारा etpbs.in इसका जो लाइव का लिंक है वो है, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारा इस तरीके की हमारी स्क्रीन दिख जाएगी। इसमें हमने क्लिक करना है ECI ऑफिशियल में, जितने भी सुपरवाइजर हैं काउंटिंग सुपरवाइजर्स उनके यूजर आईडी और पासवर्ड, आप पासवर्ड नहीं होंगे यूजर आईडीज होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, अभी वो आनी है हमारे पास भी। तो हम काउंटिंग सुपरवाइजर्स के यूजर आईडीज आपको देंगे, आपने यहाँ यूजर आईडी डालना है, उसको सबमिट करना है। तो जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो उन्होंने मोबाइल नंबर हमें प्रोवाइड किया है, उसमें OTP आएगा, साथ ही साथ वो OTP उनके ईमेल आईडी में भी आएगा जो डिपार्टमेंट से हमें प्रोवाइड की गई है। हम OTP डालेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन विजिबल होगी। हमने इसमें जाना है लास्ट टैब में प्री काउंटिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूछेगा कि आपने QR कोड स्कैनर से स्कैन करना है या वेब कैमरा से स्कैन करना है। तो हम क्लिक करेंगे QR कोड स्कैनर पे, क्योंकि हमारे पास स्कैनर आए हैं इस तरह के, आप सभी को मिल गए होंगे स्कैनर। हमने QR कोड स्कैनर पे क्लिक किया तो हमारे स्कैनर हनीवेल के हैं, तो हमने हनीवेल सेलेक्ट किया। अब ये लिस्ट है कि ये स्कैनर्स को ये एक्सेप्ट करता है सिस्टम, तो हमारे पास हनीवेल के आए, हमने हनीवेल सेलेक्ट किया। अब सिस्टम ही अपनी स्क्रीन पे ये 3 बार कोड आपको दिखाएगा, आपको आप इनको प्रिंट करके भी स्कैन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन से स्कैन करना है तो आप वैसे भी स्कैन कर सकते हैं। तो इन तीनों को जब हम स्कैन कर देंगे, जब हम लास्ट वाला स्कैन करेंगे तो उस बॉक्स में एक ही सीरियल नंबर दे देगा, जब वो सीरियल नंबर आ गया तो आपने वेरीफाई बटन पे क्लिक कर लेना है और आपका जो मेन पेज है जहाँ से आपने एक्चुअल स्कैनिंग शुरू करनी है वो पेज आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे स्कैन फ्रॉम 13C पे क्लिक करना है। जब आप स्कैन फॉर 13C पे क्लिक करेंगे तो ये आपका 13C आउटर एनवलप रहता है, इसके बॉटम राइट में आपके पास एक बार कोड रहेगा, आपने इस बार कोड को स्कैन करना है। बार कोड को स्कैन करने के बाद आपका जो इलेक्टर का नाम है वो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा और उसके नाम के आगे टिक आ जाएगा, ग्रीन टिक। जब वो टिक आ गया तो मतलब आपका जो 13C है वो स्कैन हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, तो जो 1 है आपने वो आउटर एनवलप पे रेड पेंसिल से नोट कर लेना है, तो इसको करना ही ये प्रोसेस। तो जो सीरियल नंबर है आपने 1 अपने आउटर एनवलप पे नोट कर लिया। अब आप क्लिक करेंगे स्कैन फॉर्म 13B पे, 13A पे आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे इसमें बॉटम में 2 बार कोड रहते हैं, पहले आपने एक स्कैन किया फिर आपने दूसरा स्कैन किया। तो जब हम स्कैन करेंगे तो 2 वहां पे टिक लग जाएंगे और इलेक्टर का नाम वहां पे भी आ जाएगा और सेम सीरियल नंबर आपका वहां पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो जो सीरियल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा वो आपने 13A के ऊपर भी पेंसिल से लिख लेना है। अब नेक्स्ट है हमारा 13B पे हम क्लिक करेंगे और 13B हमारा ये फॉर्म है जो इनर एनवलप रहता है, इसको हम जब स्कैन करेंगे सिमिलरली हमारा स्कैन के ऊपर टिक लग जाएगा और एक सीरियल नंबर सिस्टम जनरेट कर देगा, वो आपने 13B पे नोट कर लेना है। तो बस ये 3 स्टेप्स हैं, ये हमने कर लिया और हमारा एक TV हमारा वैलिड हो गया और स्कैन हो गया, आपने उसको वैलिड ट्रे में रख लेना है। अब सिमिलरली इन्होंने एक और दिखाया है कि हम जब नेक्स्ट करेंगे तो उसको ये जो
है क्योंकि आपने अभी एक बार स्कैन कर दिया ये, उसके बाद कभी और कर रहे हैं 500 अभी भी स्कैन, वो इसका डुप्लीकेट आ गया, तो आप नंबर नोट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा था वो नंबर। इसलिए ये जो सीरियल नंबर जनरेट होता है ये उस पर जो है वो लिखा जाना जरूरी है, सो देट बाद में अगर ऑथेंटिकेशन की इशू आती है तो आप उसको ट्रे से निकाल के उसको इनवैलिड के उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। हिमाचल फर्स्ट के लिए ऊना से अंकुश धीमान की रिपोर्ट।